बेलखेड़ा के केवलारी गांव में रविवार की सुबह नाली के विवाद को लेकर गांव के एक व्यक्ति ने गांव के एक आदिवासी युवक और अपने भाई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में आदिवासी युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बेलखेड़ा पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। जबलपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले केवलारी गांव में एक व्यक्ति ने गांव के आदिवासी युवक किशन गौड़ और लक्ष्मण लोधी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में किशन गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम पवनेंद्र लोधी बताया गया है। पवनेंद्र ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि नाली के विवाद को लेकर किशन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में धारा 304 का प्रकरण कायम किया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना में घायल हुए लक्ष्मण को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।